इतना सारा पैसा देने का मन नहीं कर रहा है। तो बताओ क्या ये वो गाड़ी है जो हम लेने वाले हैं? या वो ये है? पूरे पैसे गए। लोग भी वेट करो, मुकुल भी वेट करो। तो वापस से ठुक गई है गाड़ी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक शुभ काम करने जा रहे हैं, वो मुकुल बताएगा। तुम क्या नारियल पी ले रहे हो मेरे लिए लाके? हैं गाइस, जो हम गाड़ी लेने वाले थे फाइनली उसका हम पेमेंट करने जा रहे हैं एंड होप कि हमें वो एक आध हफ्ते में मिल जाए। सो लेट्स सी, आगे आपको दिखाते हैं कि क्या क्या करेंगे। तो गाइस, मुकुल का गाड़ी आने वाला है सिर्फ एक हफ्ते में, और तो हम आज जा रहे हैं उसका पेमेंट करने के लिए। इसको खोल सकते हो, मेरे हाथ में नारियल है। और आज आपको दिखाएंगे हम कि कौन सी वाली गाड़ी हम लेने वाले हैं, कौन सा कार हम लेने वाले हैं, और फिर उसका पेमेंट फुल हम कर देंगे। उसके बाद फिर वो शायद एक हफ्ते में आ जाएगा कार। क्या बोलते हैं, एक हफ्ते में आ जाएगा? गाइस, कार ऑन द वे है ऑलरेडी। वो मतलब जो स्टार्ट हो जाता है, ट्रक में भर के आती है कार, सो ऑलरेडी हो चुकी। तो हमारा प्लानिंग था 2 महीने पहले लेने का, इसका बर्थडे में इसको लेना था गाड़ी, तभी बुकिंग कराया था हमने। लेकिन ये गाड़ी आने में इसको बहुत तरसा दी है, इसको 2 महीना लग गया है आने में, लेकिन फाइनली वो आ रहा है। अभी भी नहीं पता कि वो कौन सा डेट को आ रहा है, तो वेट कर रहे हैं उस गाड़ी के लिए। ऐसा बेसब्री से इसको वेट है कि कब मैं चलाऊंगा। और ये बार बार इस बात को बार बार इस गाड़ी में बैठ के बोलता है कि मेरे को मेरा MG कब आएगा, मेरी गाड़ी कब आएगी। और ये गाड़ी उसी दिन खराब हो जाता है। मतलब यार, अभी ये शांत हो गई है, पहले हो रही थी। तो इसके साथ बहुत गंदा सीन हो रहा था, मतलब इस गाड़ी में, हमारा जो गाड़ी है अभी, तो इसमें बैठ के मुकुल हमेशा उसकी तारीफ करता था, वो आएगा तो मैं उसको भगाऊंगा, तेज भगेगा, ये फीचर्स वो फीचर्स बोल रहा था। और ये गाड़ी का माथा सनक जा रहा था, तुरंत खराब हो जाता था। कभी उसका टायर खराब, कभी टायर पंचर, कभी बोनट में दिक्कत, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आई जा रहा था। जब से मैंने अपना MG बुक किया है तब से मैंने इस गाड़ी पे कम से कम 1.5 लाख खर्च कर दिया है। सोच सकते हो कितना खर्चा हो गया इस पे। ऊपर से इसका पेट्रोल का खर्चा अलग से बढ़ गया है। तो अभी ये शांत है क्योंकि हम लोग इसके अंदर बैठ के कुछ ऐसा बात नहीं करते। आज बात किए हैं, देखते हैं आज क्या होता है। फिर से खराब हुआ, ये ठीक हो गया क्योंकि इसको पता है कि मैं इसको रीसेल नहीं कर रहा हूँ। ये तो उसको पहले से भी पता था भाई, ये टार्जन द वंडर कार है। इसको इसके अंदर फीलिंग से ऐसा लगता है, फीलिंग है कोई तो है इस गाड़ी में, पता नहीं क्या है, सुनता है। जब से ये गाड़ी आई है मेरी किस्मत चमक गई है, मानना। और मुकुल ने ये भी कहा है कि ये गाड़ी का जो फीलिंग है ना, वो सेम मेरे जैसा है। जैसे कि मेरे को कुछ भी बोलता है मैं गुस्से हो जाती हूँ, तो इस गाड़ी में भी बैठ के वो कुछ भी बोलता है तो ये गाड़ी भी गुस्सा हो जाता है। तो ये इसकी दूसरी बीवी है ना। और मैं नया गाड़ी भी खरीदूंगा तो मुझे लगता है कि मैं कम सोना ही ज्यादा चलाएगी, मुझे ऐसा फीलिंग्स अंदर से आ रहा है। हाँ तो भाई, मेरे पास नहीं रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे को साइड मेरे पे रख के तीर चलाया जा रहा है कि वो मेरे लिए आ रही है। नहीं, मैं मेरे को बाजू में बैठना ही पसंद है। मेरे को वो टेंशन लेके ऐसा चलाते रहो गाड़ी, वो पसंद नहीं है। मैं बाजू में बैठूंगी, तुम चलाना, ठीक है? तो हम लोग शोरूम चलते हैं और देखते हैं जाके कि गाड़ी कहाँ तक के पहुँचा है, और पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं। देखो, काश यहाँ पे हमारी कार खड़ी होती तो और ज्यादा मजा आता, बट अरे नहीं, खुद की वाली खड़ी होती तो। कौन सी वाली, इनमें से कौन सी वाली कार है गाइस? आप लोगों को गेस करना है इनमें से कौन से वाले कार को हम लेने वाले हैं। ब्लॉग के लास्ट में हम बताएंगे कि कौन से कार को हम लेने वाले हैं, तब तक के लिए आप लोग गेस करके बताओ। हाँ भैया, गाड़ी नहीं दे रहे, 2 महीना हो गया। कौन वो वहाँ खड़े, वो हमारी गाड़ी नहीं दे रहे हैं। 2 महीना हो गया है, 2 महीने से तरह से इस गाड़ी में घूम रहे हैं। इस मंथ पक्का, इस मंथ मतलब क्या, इस हफ्ते? अच्छा ठीक है। अरे रुको रुको, ये पैसे नहीं देंगे। पहले गाड़ी फिर पैसा? नहीं, पहले पैसा। नहीं, पहले गाड़ी, पहले पैसा ना भाई। अरे यार, तुम पैसे ले लो, गाड़ी दे दो, हाथ तो हाथ ले लो भाई। सो गाइस, ये है पैसे और ये है इतनी सारी गाड़िया, इनमें से एक भी नहीं दे रहे, पैसे ले रहे हैं हमसे। इतना सारा पैसा देने का मन नहीं कर रहा है यार। दे दो। नहीं, तो कैसा फील हो रहा है? गाइस, बहुत ही खराब फील हो रहा है, दूसरे रीजन की वजह से, खाली गाड़ी के रीजन। तो मैं थोड़ा टेंशन में भी हूँ, लेकिन देखते हैं कुछ तो सलूशन निकालेंगे भगवान से।
गाइस पैसे जा रहे हैं, जा रहे सारे पैसे जा रहे हैं दूसरे हाथ में। इस हाथ से उस हाथ पे चले गए पैसे। होने वाला है मनी ट्रांसफर। कितने जीरो होते हैं गाइस? गए पैसे हो गया, चले गए पैसे। ये गए पैसे। तो जैसे कि मैंने आप सबसे क्वेश्चन किया था कि हम कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, ये आप लोग को बताना है, तो आप लोग ने तो गेस कर लिया होगा। बाकी अभी हम देख दिखाने चलते हैं कि कौन सी गाड़ी हम ले रहे हैं। वापस आ गए हम वही 2 महीने पहले जो गए, वो बम्पर यही गाड़ी है ना? गाड़ी गाड़ी है, नहीं है ये गाड़ी नहीं है। बाकी देख लो आप लोग, फिर भी गाड़ी ये नहीं रहेगा, हमारा दूसरा रहेगा। और कौन सा गाड़ी रहेगा ये अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी बता दूंगी तो फिर जब हम लेने आएंगे गाड़ी तब आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता रहेगा कि कौन सी गाड़ी हम लेने वाले हैं। तो जब लेने आएंगे तब दिखाएंगे कौन सी गाड़ी है, बट इससे कुछ मिलता जुलता है इसलिए इसको अभी दिखा दिए। मुकुल बातें कर रहा है वहाँ पे, तब तक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो आप लोग इसमें से भी गेस कर सकते हो कि हमारी गाड़ी कौन सी होगी। तो बताओ क्या ये वो गाड़ी है जो हम लेने वाले हैं, या वो ये है रेड है? और आप लोगों को कलर भी गेस करना है, एक्चुअली कलर क्या ले रहे हैं हम लोग ये भी आप लोगों को गेस करना है और बताना है कि कौन सा कलर ले रहे हैं और कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। गेस करते रहो तब तक, और 4 दिन वेट करो, 4 दिन में गाड़ी आ जाएगा ऐसा इन्होंने बोला है, बट लेट्स सी कब आता है। और अभी हम जा रहे हैं, उसी कार में राइड पे जा रहे हैं, तो चलो राइड करके आते हैं। तो ये है सारे अस्त्र शस्त्र। ये बैटरी है? ये बैटरी नहीं, बैटरी नीचे है, ये पावर पॉइंट बैटरी है, जैसे हेडलाइट वगैरह जो रहता है ना वो पावर पॉइंट के लिए रहता है। और इसके अंदर कौन सा कफ सिरप है, ये लाल वाली हाई टेंशन वायर है, इनको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। रेड बुल है इसमें, रेड बुल है इसमें, उसको भी पावर मिलती है इससे। पानी है, सपोज पानी खत्म हुआ तो इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बट इधर कुछ नहीं छेड़ना है। यही गाड़ी ले चले दूसरे की? हाँ भैया, थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे तो ये गाड़ी नहीं दे दोगे? तो गाइस ये गाड़ी अभी हमसे बातें भी करेगा, करो बात, बोलो। हाय एमजी। हेलो एमजी। देखो देखो बोला उसने, कहाँ हो तुम, दिख नहीं रही हो सुंदर कन्या। बातें सुनती है। अच्छा नहीं नहीं एक और है इसका, सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, सिम सिम ना बंद हो जा, सिम सिम एमजी बंद हो जा, सिम सिम क्लोज द सनरूफ। हाय हाउ कैन आई हेल्प? क्लोज द सनरूफ। बातें करती है, टाइम पास हो जाएगा इसके साथ फुल। देखो सनरूफ बंद ही कर दिया, अभी देखो एक जादू बंद हो गई। खुल जा सिम सिम। ए भाई हे एमजी, खुल जा सिम सिम। ओपन द सनरूफ। भाई इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, उसमें नया टेक्नोलॉजी नहीं। नहीं खुल जा सिम सिम, इसमें नहीं दिया है। सनरूफ बंद कर दो, सनरूफ बंद कर दो।
उसको पूरा हिंदी में सैंड्रो बंद कर दीजिए एमजी जी. हिंदी कमांड एक्टिवेट नहीं किया. अच्छा फोन से कनेक्ट भी करना पड़ता है क्या इसको? क्लोज द सनरो. इसको बस इंग्लिश आती है गाइस, ठीक नहीं है ये, हिंदी नहीं आता इसको, अंग्रेजन है ये. तो अभी हम जा रहे हैं, ये गाड़ी से निकल रहे तो ये गुड बाय भी बोलेगी. बोलो. अच्छा ये लड़की है कि लड़का है गाड़ी? लड़की है. नहीं नहीं ये लड़का है क्योंकि सबसे बड़ी गाड़ी है ना एमजी का. गुड बाय बोला नहीं उसने? बोला. आधा बोली. बहुत गर्म है, दो मिनट में इतना गर्म हो जा रहा है. बाप रे इतना भारी है इसका डोर तो, मेरे से क्लोज ही नहीं हो रहा था इतना हैवी. तो हो गई हमारा पेमेंट करना, हो गया सब कुछ, हो गया गाड़ी देख ली है. ब्लॉग एंड करते हैं और जल्दी गाड़ी आने वाला है, तब तक आप लोग भी वेट करो, मुझे भी वेट करो. देखिए कुछ ना कुछ होना है, पता था ना. जैसे कि हमने बताया था कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है मुकुल की गर्लफ्रेंड है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है. तो वापस से ठुक गई है गाड़ी. जैसे हम शोरूम पाए हैं आज न्यू गाड़ी लेने के लिए, इसको पता चला वैसी फिर से ये ठुक गया, पीछे से डैमेज हो गया फिर से. कभी नहीं ठुकता मुकुल गाड़ी, आज पता नहीं इससे ठुक गई गाड़ी और पीछे डैमेज हो गया. इसको बिल्कुल सहन नहीं होता इस गाड़ी को कि नया गाड़ी आए इसके जगह में. तो फाइनली सब कुछ हो गया, पेमेंट हो गया, अब हम जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी ठुकवा भी लिए, अब हम जा रहे हैं. ब्लॉग को यही एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे. जब गाड़ी आएगी तब जो ब्लॉग आएगा उसके लिए वेट करो गाइस, गाड़ी का वेट इसको भी, आप सबको भी, मुझे भी, हम सबको है. तो तब तक वेट करो बहुत और ब्लॉग देखते रहो.